टुडे वी गोना स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज, बोलो भाई, अकॉर्डिंग द सीक्वेंस ऑफ एनसीईआरटी इट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब सभी इतनी बात जानते हैं कि करंट जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, यस और नो? और इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है। जो चार्ज को हमने डिटेल में स्टडी किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था, चार्ज एट रेस्ट था। आपको करंट बनाना है तो बताओ चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, फ्लो में होना चाहिए? बी एक्टिव इन द क्लास, कमेंट, वरना नींद आएगी, सो जाओगे, सोना नहीं आपको। एक्टिव रहोगे तो मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा और लगेगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वरना क्या है, थोड़े समय के बाद में ह्यूमन टेंडेंसी है, आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। तो चार्ज अगर फ्लो होते रहेंगे, स्विम करते रहेंगे, तैरते रहेंगे, तो करंट फ्लो होगा। करंट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट? आपने 1D में भी पढ़ा होगा, 1D में आपने इस नाम से पढ़ा होगा, 1D 2D में आपने करंट फ्लो पढ़ा होगा, रिवर का, रिवर करंट। फ्लो मतलब होता है करंट का, चार्जेस नहीं होता है। करंट का मतलब होता है टू फ्लो, चाहे वो पानी रहे, चाहे वो हीट रहे, चाहे वो करंट इलेक्ट्रॉन रहे। और इलेक्ट्रिसिटी शब्द आया है फिर से इलेक्ट्रॉन से आया है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसको मैं सेमीकंडक्टर से कंपेयर करूं, आपका हुआ होगा तो ठीक है, नहीं हुआ होगा तो मेरा ये सेंटेंस स्किप कर देना। सेमीकंडक्टर में अगर देखेंगे तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी फ्लो होते हैं, दोनों चार्जेस, जिसको हम होल्स एंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेकिन इस पूरे चैप्टर में होल्स वोल्स नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ओनली इलेक्ट्रॉन विल फ्लो, ओनली नेगेटिव चार्ज विल फ्लो, गॉट इट? चलो भाई, तो सबसे पहले करंट की डेफिनेशन समझते हैं, करंट क्या होता है, और बाद में फिर देखते हैं हमें कि हमें कौन से टर्मिनोलॉजी में इसको समझना। देखो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्जेस फ्लो, चार्जेस का फ्लो होना। अब ये फ्लो तो हो गए, बट इनको मेजर करना पड़ेगा ना कि पर सेकेंड में कितने फ्लो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर से 10^4 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं पर सेकेंड, और एक कंडक्टर से 10^6 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो किसका करंट ज्यादा है? ऑब्वियस बात है 10^6 का। तो हमने अंदाजा कैसे लगाया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्जेस फ्लोस पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? बोलो जल्दी, अमाउंट ऑफ चार्जेस, और यहां पे चार्जेस का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन, अमाउंट ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन फ्लोज पर सेकेंड, पर सेकेंड में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं पर मिनट में कितने हो गए, पर आर में कितने हो गए। आपने पढ़ा है ना, बैटरी खरीदते हो तो आप मिली एम्पियर आर लिखा रहता है, या इवन मोबाइल के छोटे मोटे बैटरी पे भी MAH लिखा रहता है, एम्पियर आर, ये सारे इसी के बातें। अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोज पर सेकेंड, सिंपल डेफिनेशन, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट कौन से इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास में पेन है, मान लो ये प्लास्टिक का पेन है, अगर मैं इसको बैटरी जोड़ दूं, क्या करंट फ्लो होगा? बी एक्टिव, इफ आई कनेक्ट द टर्मिनल पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू दिस पेन, विल करंट फ्लो? एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी बोलेगा, अरे सर कुछ भी बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं, व्हाट इज अ टेक्निकल रीजन? क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है? अरे यार तुम इतना केमिस्ट्री पढ़ते हो, तुम्हें पता है। सर इसके पास एटम है, ये एलिमेंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, इसके पास प्रोटॉन भी है, तो फिर क्या रीजन है इसके इलेक्ट्रॉन करंट नहीं बनाते हैं? वह क्या रीजन है कि इस प्लास्टिक के इलेक्ट्रॉन
करण नहीं बनाते हैं। श्रवण बेटा उसको बैड कंडक्टर बोलते हैं, नाम बाद में दिया गया, रीजन पहले चाहिए। आपने बिल्कुल बोला है सर इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आई एम आस्किंग व्हाई। चलो कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, कुछ लोगों ने जवाब दिया है कि सर इसके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, ये एज ए इंसुलेटर बिहेव कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, बहुत बिजी लोग है वो, उनके पास पढ़ने के लिए समय नहीं है। सर आप तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं या अपने ही शेल में घूमते हैं जिसको बोलेंगे, ये लूजली बाउंडेड नहीं है, ये अपने ही घर में खुश है, ये अपने कंफर्ट स्टेट से बाहर नहीं आना चाहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है जिसको बोलेंगे, जब वो फ्री ही नहीं है तो क्या वो फ्लो होने वाले हैं, क्या वो करंट बनाएंगे? नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास में भी है लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन करंट नहीं बनाएंगे। वहीं अगर ये मेटल का होता, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, आयरन का, तो अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये करंट बनाता। क्यों? क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी आपको पता है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं सरफेस पर, जिनको थोड़ा भी एनर्जी देने पर, बैटरी लगाना मतलब क्या लगाना, एनर्जी देना, थोड़ा भी एनर्जी देने पर वो फ्लो होने लग जाते हैं। बात समझ आई? तो बात यह है कि इलेक्ट्रॉन करंट नहीं बनाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन करंट बनाता है। कौन करंट बनाता है? फ्री। सो करंट या इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि कहां होते हैं? जनरली इन कंडक्टर, कंडक्टर इंसुलेटर में ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, बहुत ही बिजी लोग है वो करंट नहीं बनाएंगे। सेमीकंडक्टर में देखेंगे हम बाद में, अभी चर्चा का विषय नहीं है, उसमें एक बार घुस जाऊंगा मैं तो फिर ये रह जाएगा, ठीक है, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। तो करंट जो बनता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है कंडक्टर में, कंडक्टर में, ठीक है। लिक्विड में करंट काय में बनता है? कंडक्टर मतलब हमने यहाँ सॉलिड लिया है, क्या लिक्विड से करंट फ्लो होता है? यस सर, पानी में डालोगे करंट फ्लो होगा। बोलो बोलो बोलो। करंट इज ड्यू टू, जल्दी बोलो भाई, केमिस्ट्री पढ़ा है आपने, पानी में अगर करंट फ्लो हो रहा है वो तो किसके कारण फ्लो हो रहा है? करंट इज ड्यू टू, बोलो जल्दी, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन इन लिक्विड, लिक्विड से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आयन्स के फॉर्म में फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव आयन्स, यस सर नो। और गैसियस में भी करंट फ्लो हो सकता है, आपने कुछ कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट ये वो सुना होगा, वो इलेक्ट्रॉन गन नाम का सुना होगा, यस बेटा इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं उसको, गैस में भी करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। जो हमारा ट्यूबलाइट होता है ना, एरेवन गैस, उसमें भी तो होता है, यस। नेक्स्ट पॉइंट, करंट इज ड्यू टू बोलो बोलो किसकी वजह से? पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन, गैस में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं भाई, मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन इन गैसेस, गैस में उनका नाम होता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, गैस का आयोनाइजेशन हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन, तो तीनों में भी करंट फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग मात्रा में, इवन कंडक्टर में भी, अलग अलग कंडक्टर में अपने अपने कैपेसिटी, जिसको हम रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी की भाषा में पढ़ने वाले हैं, करंट फ्लो होता है। और करंट की डेफिनेशन यही है, चार्जेस फ्लो पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो कैन वी मेक द फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज मतलब क्यू, टाइम मतलब टी, चार्ज मतलब क्यू, टाइम मतलब टी। अगर हमने बोला 10^6 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं 10 सेकेंड्स में, ये क्यू का वैल्यू और टी का वैल्यू। अगर मैं छोटा टाइम लेता हूं, पर सेकेंड लेता हूं, डीटी टाइम, चार्जेस भी तो कम फ्लो हो गए,
जितने 10 सेकंड में हुए हैं उतने 1 सेकंड में नहीं होंगे, तो इसी को हम लिख सकते हैं dq by dt, टोटल चार्ज टोटल टाइम, स्मॉल चार्ज स्मॉल टाइम, गॉट इट। बात करें इसके यूनिट की तो सभी जानते हैं प्यारे बच्चों इसका यूनिट बनेगा, बोलो जल्दी ऐसा यूनिट क्या बनेगा, कूलम्ब पर मीटर, ये एमकेएस यूनिट है, और इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं इसको, कूलम्ब पर मीटर इसका एमकेएस यूनिट है, मीटर किलोग्राम सेकंड वाला, और ऐसा यूनिट इसका एम्पियर है, एम्पियर एम्पियर है। तो क्या आप इसका डायमेंशन बना सकते हो प्यारे बच्चों, क्या आप इसका डायमेंशन बना सकते हो, अरे कूलम्ब पर सेकंड, सॉरी कूलम्ब पर सेकंड, क्या आप इसका डायमेंशन बना सकते हो, जल्दी से बोलो कमेंट पास, मेक अ डायमेंशन ऑफ करंट, कुछ लोग लिख रहे हैं सर इसका डायमेंशन रहेगा क्या रहेगा बोलो, अरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, जब आप फिजिक्स की दुनिया में एंटर हो रहे होंगे, जब आपको बेसिक पढ़ाया जा रहा होगा फिजिक्स का, या आपने खुद पढ़ा होगा 11th की टेक्स्ट बुक का, तो सबसे पहले आपने लाइफ में ये पढ़ा होगा फिजिक्स में 11th क्लास में, व्हाट आर दी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, बोलो भाई सबने पढ़ा है या नहीं, कमेंट करो, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल वो क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी से पर डिपेंड नहीं करती है, नहीं करती है, जैसे टाइम, टाइम इज फंडामेंटल, किसी पर डिपेंड नहीं है, बड़ी घड़ी लगाओ छोटी घड़ी लगाओ, उसका लेंथ बड़ा रखो छोटा रखो, टेम्परेचर मास 7 क्वांटिटी है टोटल मिलाकर, जिसको आप डायमेंशन के फॉर्म में लिखते हो एम एल टी आई, और भी 7 लिख सकते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी वगैरह, जरूरत नहीं पड़ती तो नहीं लिखते हैं, अदरवाइज वो जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना उसमें 7 क्वांटिटी आ सकती है, 7 के अलावा नहीं आ सकती है, ये बेसिक है। तो उसमें करंट भी है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो याद रखना बारीक बात है इंपॉर्टेंट बात है, फॉर्मूला से ऐसा फील आ रहा है कि करंट डिपेंड ऑन टाइम एंड चार्ज, क्या हमें फील आ रहा है करंट डिपेंड ऑन टाइम एंड चार्ज, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उल्टा है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको करंट चार्ज का डेफिनेशन मिलेगा, करंट इनटू टाइम, ये करेक्ट डेफिनेशन है, चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड विद टाइम, कि हमारा जो चार्ज होता है वो करंट पे और टाइम पे डिपेंड होता है, दैट इज वाई चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी प्यारे बच्चों, पॉइंट नोट करना, नोट डाउन, क्या नोट करना है आपको, करंट इज कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर, एक और इंपॉर्टेंट बात, स्केलर फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, दो आश्चर्यजनक बातें आपको पता चली अभी, कुछ लोगों को पता होगी, पहली बात कि स्केलर है, ठीक है आदित्य सुबह आता हूँ बेटा मैं, अगर आपको पूछे करंट स्केलर है वेक्टर है तो आप बोलोगे सर स्केलर है, और अगर आपके मन में ये प्रश्न आए सर करंट को तो डायरेक्शन होती है तो वो वेक्टर क्यों नहीं है, सही बात है आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक वेक्टर को, यू आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट, एक वेक्टर को वेक्टर शो होने के लिए और भी सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं, जिसको हम वेक्टर वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स बोलते हैं, तो बहुत सारे लॉज आते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ है, ये है वो है, करंट वो सारे रूल्स फॉलो नहीं करता है, कुछ ही रूल्स फॉलो करता है, इसीलिए उसको वेक्टर नहीं बोला जाएगा, या तो उसको स्केलर बोला जाएगा या तो फिर उसको एक अलग श्रेणी में रख देते हैं जिसको हम टेंसर क्वांटिटीज भी बोलते हैं, जिनमें इनर्शिया भी आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
प्रेशर भी आता है, इम्पल्स भी आता है, है बहुत सी क्वांटिटी। तो करंट एक टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन अगर उसको स्केलर और वेक्टर की भाषा में पूछे तो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? एंड नंबर टू, मैंने आपको बताया है कि करंट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। हमने क्लासिफिकेशन देखा है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। इतनी बेसिक बातें समझी होगी तो रिप्लाई करो प्यारे बच्चों, और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए सर, चलो डन, बड़े आगे। तो याद रखना, करंट सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों से फ्लो हो सकता है। जनरली हमारा जो चैप्टर है वो सॉलिड पर डिपेंड है, तो हम इलेक्ट्रॉन की ही चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो चलो, हमारा जो अगला पॉइंट है उसका नाम है क्या नाम है भाई, डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी एक बार ध्यान से सुनना, ये जो डायरेक्शन है इसका जो रूल्स है वो एक कन्वेंशनल रूल है। कन्वेंशनल मतलब ऐसा अज्यूम किया गया, समझाता हूं। जैसे इंडिया में जो ड्राइविंग होती है, ड्राइविंग साइड कौन सी होती है हमारी रोड पर, राइट है कि लेफ्ट है, सभी को पता है इंडियन स्टाइल ड्राइविंग ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट से चलते हैं। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाओगे तो बहुत सारी कंट्रीज है जो राइट डायरेक्शन फॉलो करता है, यस और नो? तो क्या सही है क्या गलत है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, मेरी बात समझ आई? तो अपना अपना अजम्पशन है, जैसे इंडिया में अज्यूम किया गया है लेफ्ट डायरेक्शन, तो उसकी के अकॉर्डिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, रोड्स बनते हैं, कॉर्नर्स बनते हैं, और फॉरेन कंट्रीज में उनके अकॉर्डिंग वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। बट इट, तो वैसे ही यहाँ जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो एक अजम्पशन है, ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, वरना किसी ने इलेक्ट्रॉन को तो देखा नहीं है बेटा कहाँ जा रहा है, समझ रहे हो आपको? चलो फिर मैं एक कंडक्टर लेता हूँ, कंडक्टर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, बेरोजगार इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं इसी एक ही कंडक्टर को दो अलग अलग वे से समझाता हूं। इस कंडक्टर के अंदर दोनों टाइप के चार्जेस है, आप जानते हो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, और सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जिसके अराउंड घूम रहे हैं वो पॉजिटिव चार्जेस भी है। हाँ सर। अब थोड़ा सा रिलेटिविटी के टर्म में बात करो, रिलेटिविटी, पॉजिटिव अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, ये मान लो मेरा पेन इलेक्ट्रॉन है, रिलेटिविटी, अगर मेरा पेन लेफ्ट को जा रहा है और तुम पेन पे बैठे हुए हैं तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें क्या फील आएगा कि पॉजिटिव चार्ज राइट को जा रहा है? अरे हाँ, या ना, जैसे तुम ट्रेन में बैठे रहते हो, हमारी ट्रेन रुकी हुई रहती है, बाजू वाली ट्रेन चल रही है, तो हम बोलते हैं कि हमारी ट्रेन चल रही है, आता है ना फीलिंग रिलेटिविटी वाला? वैसे ही चार्जेस का फ्लो, एक्चुअल में कौन फ्लो होते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन राइट डायरेक्शन को जा रहे हैं तो बताओ बच्चों करंट का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट होगा ना प्यारे बच्चों, यस और नो? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, दिस इज एन अजम्पशन, ये कन्वेंशनल है, ठीक है, ये एक कन्वेंशनल है, ये एक अजम्पशन है, बता दिया गया है, अब आप इसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। बहुत अच्छे, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव आयन्स जाते हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। देखो जरा, अब ये मत पूछना सर पॉजिटिव आयन्स तो जाते ही नहीं है, अरे यार रिलेटिव मोशन है, तुम्हारी ट्रेन रुकी हुई है बट तुम्हें तो फील आ रहा है ना चल रही है, ये वो कॉन्सेप्ट है।
इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण हमें लगता है कि पॉजिटिव आयन भी पीछे छूट रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव आयन्स को भी हम अजम कर ले कि वो भी फ्लो हो रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में करंट, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट। क्या आपको दोनों फिगर समझ आई प्यारे बच्चों? कमेंट करो। अंडरस्टूड? तो बताओ, अगर मैं इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ देता हूं, अगर मैं इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ देता हूं, बैटरी समझते हैं ना आपको, ये डीसी टाइप का बैटरी है, एसी डीसी समझेंगे बाद में। तो बड़ी लाइन पॉजिटिव चार्ज बताती है, छोटी लाइन निगेटिव चार्ज बताती है। हमारे इस एल लेंथ के कंडक्टर को क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जल्दी बोलो। एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। तो हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ दौड़ेंगे, अट्रैक्शन, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे दौड़ रहे हैं, ऐसे मतलब क्या बोलेंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम्हारा करंट कैसे दौड़ेगा? सर करंट दौड़ेगा क्लॉकवाइज, यस और नो? करंट दौड़ेगा क्लॉकवाइज, यस और नो? तो इफ इन द सर्किट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन करंट विल फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या मैं दूसरी भाषा में ऐसे बोल सकता हूँ, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारा करंट भी फ्लो हो रहा है। दोनों बातों का मीनिंग एक ही है, समझ गया होगा तो रिप्लाई कर दो भैया। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अंडरस्टूड द डायरेक्शन? चलो एक और छोटी सी बात। सर वो छोटी सी बात क्या है, अगर मान लो, क्या मान लो, हमारे पास ये कंडक्टर है, इसमें से इसको हमने एक और छोटा कंडक्टर कपल्ड कर दिया है, और इसको और एक छोटा सा कंडक्टर कपल्ड कर दिया है, और कपलिंग ऐसी है कि हर कंडक्टर का एरिया छोटा होते जा रहा है। श्रवण बस बेटा इसमें इतना ही है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गया ना पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, इलेक्ट्रॉन चाहेगी किसकी ओर जाए, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट कैसे जाना चाहेगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, दैट्स इट, इतना ही है। अब इधर देखो, हमने कंडक्टर लिया है, हर एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, A1, A2, A3, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। अब मैंने इसमें से वायर जोड़ दिया और मैंने इसमें से करंट पास किया, आए करंट पास किया। मुझे बताओ क्या A2 A3 से भी सेम करंट पास होगा या करंट कम ज्यादा हो जाएगा? वेरी गुड संकेत, वेरी गुड बेटा। क्या A2 A3 से भी सेम करंट पास होगा या चेंज हो जाएगा? इसको पहले फील लाते हैं ताकि हम ज्यादा समय के लिए याद रख सके। मैं बोलूंगा आपको समझ आ जाएगा कि वैलिडिटी कम रहेगी, प्रैक्टिकल से ही रियलाइज करवाता हूं मैं। मान लो आप गार्डनिंग कर रहे हो, पानी दे रहे हो गार्डन में, पानी दे रहे हो, आपने मोटर ऑन किया, पानी निकल रहा है, ठीक है, पानी निकल रहा है, पानी दे रहे हो। अब आपने क्या किया, पाइप को ऐसे दबा दिया, पाइप को दबा दिया, प्रेशर डाल दिया पाइप पे, वो प्रेशर डालने के कारण क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई होगी पानी की, यस और नो? एरिया कम हो गया होगा क्रॉस सेक्शन का, यस और नो? लेकिन मुझे बताओ क्या पानी के अंदर कोई डिफरेंस आया है, ऐसा कुछ हुआ है क्या, मोटर अचानक से बढ़ गई है, ज्यादा पानी आने लगा, या एकदम पानी बहुत ही कम हो गया, ऐसा कुछ हुआ क्या? बात ध्यान से समझो, पहले वेलोसिटी भी नॉर्मल थी और एरिया भी नॉर्मल था,
वेलोसिटी भी नॉर्मल थी, एरिया भी नॉर्मल था, तो दोनों का प्रोडक्ट एक ले लो कुछ तो भी। फिर जब हमने पाइप को ऐसे दबाया, छोटा किया, एक क्वांटिटी बड़ी एक कम हो गई। देखो पहले दोनों लेवल थे, नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल एरिया, पाइप का एरिया, पाइप का एरिया एवरेज वैल्यू वही रहेगी, दोनों एक समान। अब जब हमने पाइप को प्रेस किया तो वेलोसिटी बढ़ गई है, लेकिन पाइप का मुंह छोटा हो गया, एरिया कम हो गया, एक बड़ा एक छोटा। अभी भी इनका एवरेज तो बीच में ही आएगा, ये देखो एक हाई एक लो, एवरेज तो बीच में आएगा। तो आई वॉन्ट टू से दैट इससे वेलोसिटी और एरिया तो कम ज्यादा होगी, बट करंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये बात याद रखना। सेम करंट विल फ्लो। Understood? So take a screenshot. अगर आपने फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो आपने इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के नाम से पढ़ा होगा, पता नहीं पढ़ा या नहीं। A1V1 = A2V2 इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज प्रिंसिपल के पहले पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको कोई जरूरत नहीं कंपेयर करने की। फिलहाल जितना बताया उतना समझ आया? तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें फ्लूइड मैकेनिक्स से भी हेल्प मिलेगी। तो दिस इज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उससे ऑपोजिट दिशा में करंट फ्लो होता है सर, करंट फ्लो होता है सर। ओके भाई, ओके सर। अभी ध्यान से सुनना। अभी जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे कंडक्टर में, वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहे थे, ऐसा हम अजम करते हैं, स्ट्रेट लाइन। अगर करंट चार्ज के सर्कुलर मोशन के कारण बनता है, जिसको हम रोटेटरी मोशन बोलते हैं, तो वो किस पर डिपेंड करता है? करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन। रोटेटरी का मतलब समझ जाओ सर्कुलर। तो मैं एक चार्ज ले लेता हूं जिसका नाम Q है, और मान लो वो रोटेशनल रोटेटरी मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर, ऐसे वो फ्लो हो रहा है। इसका O सेंटर है और मान लो R उसका रेडियस है, R उसका रेडियस है। तो देखो भाई, चार्ज है घूम रहा है, चार्ज है घूम रहा है, फ्लो में है, फ्लो में है, फ्लो में है, क्या बना रहा होगा? क्या बना रहा होगा? करंट बना रहा होगा सर, क्यू बाई टी। किसी को कोई शंका? कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा फॉर वन रोटेशन, तो एक चक्कर लगाए या दस चक्कर लगाए, क्या चार्ज में कोई डिफरेंस आएगा? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर याद करो, चार्ज मोशन में हो या रेस्ट में हो, उनका मैग्नीट्यूड में डिफरेंस नहीं आता है, चार्ज का वैल्यू तो वही रहेगा। लेकिन आप जानते हो एक रोटेशन में टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं, एक चक्कर लगाने के लिए जो समय लगता है सैटेलाइट को, वो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट होता है। वैसे ही चार्ज को एक चक्कर लगाने के लिए जो भी समय लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, डिनोटेड बाय कैपिटल टी, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। यस, वेरी गुड। टाइम पीरियड का अगर रेसिप्रोकल देखो तो आप जानते हो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। यस सर ना, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड को हम 1/f भी लिख सकते हैं, तो 1/p क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। तो शैल आई राइट f? व्हाट इज f? f स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। हो सकता है आपको फ्रीक्वेंसी n लेकर पढ़ाया गया होगा, बट यहाँ पर हम n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए यूज करते हैं, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूं। अंडरस्टूड? समझ आया क्या भैया? चलो ये पहला फॉर्म है।
अब ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, जो हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है ऊपर, आप जानते हो कि हमारा जो वी है उसको हम ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं। सर्कुलर मोशन याद करो, वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, और ओमेगा क्या होता है भाई, टू पाई बाई टी होता है। वी क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, टू पाई बाई टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो टी का वैल्यू मिल जाएगा, बोलो जल्दी क्या हो जाएगा, टू पाई आर अपॉन वी। ये आपने ग्रेविटेशन में भी सीखा है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकालते समय, टू पाई आर अपॉन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, अंडरस्टूड। तो ये वैल्यू को रख दो तो आई का इक्वेशन आ जाएगा क्यू बाई टी, और टी की जगह पे लिखेगी टू पाई आर अपॉन वी। तो नीचे का वी ऊपर चला जाएगा और हमें करंट का फॉर्मूला मिल जाएगा क्यू वी अपॉन टू पाई आर, क्यू वी अपॉन टू पाई आर। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी को। सही बात है, जितने स्पीड से घूमेगा उतनी पॉसिबिलिटी है कि करंट बनाए, और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस को। ऑब्वियस बात है, जितना बड़ा सर्कल रहेगा उसको घूमने के लिए समय ज्यादा लगेगा और करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आपको यह बात समझी है तो डू रिप्लाई प्लीज। रिप्लाई करो भाई, अब आपकी मर्जी है, चाहे तो v अपॉन r की जगह आप ओमेगा भी लिख सकते हो, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ये t की जगह 2 पाई बाय ओमेगा। इससे क्वेश्चन आते हैं, छोटे मोटे से क्वेश्चन आते हैं बट आ सकते हैं। ये टॉपिक इतना ही है, इसको नोट डाउन कर लो। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, कर लिया नोट। अगर किसी मन में सवाल ये आ रहा होगा, सर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बताओ, आपने यार सर्कुलर मोशन पढ़ा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल, वह सर्कल को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंशियल होता है। डन। तो दिस इज अबाउट दी करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन, घूमते हुए चार्ज के कारण जो करंट बनता है, उसका वैल्यू I इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन टू पाई आर, क्यू वी अपॉन टू पाई आर, या फिर क्यू ओमेगा अपॉन टू पाई, क्यू ओमेगा अपॉन टू पाई। ये फॉर्मूला यार तुम समय पर भी बना सकते हो, तो इसमें कोई खास इतना ये नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है भाई, जिसका नाम है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जे बार से डिनोट करते हैं उसको, कैपिटल जे बार या स्मॉल जे बार से, स्मॉल जनरली स्मॉल लेते हैं मोस्ट ऑफ जे बार। करंट डेंसिटी, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में चार्ज डेंसिटी पढ़ा है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वो चार्ज स्टैटिक थे, बॉडी पे लगाओ बॉडी पे रुक जाते हैं, जहां चार्ज ज्यादा जमा है वहां चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है, जहां कम है वहां मिनिमम है, स्टैटिक कंडीशन। यहाँ चार्ज फ्लो हो रहे हैं, फ्लो चार्ज फ्लो हो रहे हैं, और किसके थ्रू फ्लो हो रहे हैं, कंडक्टर के। सर कंडक्टर के कहां से, तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि भैया प्यारे हमारे जो चार्ज है वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो रहे हैं। देखो देखो देखो, ये मान लो मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का। आप जानते हो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होती है, कैसे होती है, नॉर्मल टू द प्लेन। दिस इज माय डीए बार, दिस इज माय डीए बार, एरिया वेक्टर। और मान लो, क्या मान लो, इलेक्ट्रॉन भी ऐसे फ्लो रहे हैं, नहीं 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 उल्टा बोल दिया,
जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, अभी तो पढ़ा है ना हमने। हाँ सर, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो देखो करंट का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। अब मुझे बताओ अगर मैं उस डीए बार को छोटा करता हूं, डीए बार को छोटा करता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो भी तो कम हो जाएगा ना यार, फ्लक्स के समय पे पढ़ा चुका हूं मैं। बड़ा एरिया लोगे तो नंबर ऑफ लाइन ज्यादा पास होती है, याद आ रहा है कुछ वैसा ही है। छोटा एरिया लोगे तो नंबर ऑफ लाइन भी कम हो जाएगी, फाई को हम डी फाई लिखेंगे, सेम 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 सेम। अगर हम ज्यादा बड़ा एरिया लेते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है पास होने की, और हम छोटा एरिया लेते हैं तो कम हो जाती है। तो आई वॉन्ट टू से दैट कि जब हम करंट को विथ रिस्पेक्ट टू एरिया मेजर करते हैं, अब छोटा एरिया लोगे तो स्मॉल करंट विल फ्लो डी आई बाई डी ए। दिस रेशियो इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसी रेशियो को बोला जाता है भाई करंट डेंसिटी। डेफिनेशन रहेगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू सम एरिया। फ्लक्स की डेफिनेशन याद करो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट सरफेस एरिया, और यहां डेफिनेशन है चार्ज की जगह करंट फ्लोस थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आई विल राइट द डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। कि पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जितने ज्यादा करंट फ्लो होगा समझ जाना वहां डेंसिटी ज्यादा है। सिंपल सी बात है यार, जहां क्राउड ज्यादा वहां डेंसिटी ज्यादा, चाहे वो चार्ज की होगी तो चार्ज की डेंसिटी, करंट की होगी तो करंट की डेंसिटी। ध्यान से देखना ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है, विथ डायरेक्शन सेम एज करंट। उसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। यहां से इसका ऐसा यूनिट बना लेंगे, ऐसा यूनिट करंट का एम्पियर है और एरिया का मीटर स्क्वायर है। यूनिट बनेगा एरिया पर, सॉरी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट के लिए आई वन और मीटर स्क्वायर के लिए एल टू, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखो भाई सबके लिए समझ आया कि करंट डेंसिटी का मतलब करंट फ्लोस पर यूनिट सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां पर क्रॉस सेक्शन से फ्लो रहा जो मैंने आपको शेडेड रीजन से बताया। बताओ भाई बेसिक डेफिनेशन समझ आई डेंसिटी की, डू रिप्लाई।